श्री शिव जी की पावन कथा को लेकर के आपके बीच में आए हैं और हमारे आज के आयोजनकर्ता श्रीमान विंसेंट लाल जी तथा उनके धर्मपत्नी जश्विना और साथ में उनकी बेटी कस्तो और जश्विना के माता पिता श्रीमान श्रीमती शिव जी, समस्त परिवारजन जो जो भी आज दूर निकट से पधारपण करके इस शिव कथा में भाग लेने आए हैं, आप सबको हम बेहद स्वागत करते हैं। वस्त्र अर्पण कर देंगे, शीतवादोषं शस्त्राणं लोकलज्जानिवारणं वस्त्रादि भूषादि समर्पयामि। सब बोले श्री महादेव भगवान के, देवादि देव महादेव ये नमः। वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। त्रिपुंड में
आप चंदन लगा दें, बीच वाले में सिंदूर लगा देंगे। हरि ओम खंड चंदनम दिव्यम गंधार्य सुमनोहरम विलेपनम सर्वश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम चंदनत्या महत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम महापादम हरति लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा। आइए शिव भगवान कैलाशपति नाथ भूत भवन महा क्या नाम बताए, भगवान के अनंत नाम है, सहस्त्र नाम है भगवान के, सदाशिव शंकर भगवान कल्याण करते हैं, उनका नाम है शिव का मतलब है कल्याण। और किस किस पर कल्याण करें, जो कथा सुनते हैं जो सुनाते हैं दोनों पर कल्याण करते हैं। इसलिए आप ऐसा ना सोचें हम मंच पर बैठे हैं तो हमारा ही कल्याण होगा, यह हमारे मुख्य श्रोता जो आयोजन किए हुए हैं इनका कल्याण होगा, सभी जितने इस यज्ञशाला में आए हुए हैं। बहुत प्रकार की यज्ञ होती है, आपको पता होता है, एक अग्निहोत्री होती है, अग्नि से यज्ञ होता है, और एक यज्ञ है जिसको ज्ञान यज्ञ कहा गया है, जो कथा यज्ञ भी माना गया है। तो शंकर के भगवान के जटा में से जो गंगा बहती है दो होती है, एक गंगा जो जटा से बहती है और दूसरा गंगा कहाँ से बहती है, भगवान के मुख से बहती है। और जो जा करके भगवान सदाशिव शंकर जी के जटा वाली जो गंगा से निकला है और उसमें तैरता है, संभवतः डूब जा सकता है, ठीक है ना विंसन भैया। और जो कथा मुख गंगा से स्नान करता है तो वो डूबता तो डूबता है लेकिन वो उबर जाता है, इसलिए डूबने का कोई भी इसमें संशय नहीं होना चाहिए। आइए फूल चढ़ा देंगे, व्हाइट फूल और यज्ञ पवित्र आपके पास है, शिव जी महाराज के लिंग पर चढ़ा दें। सब बोले श्री शंकर भोलेनाथ भगवान के। आइए अब हम भगवान जी को भोग लगाते, यज्ञो पवित्रेण परम पवित्रम समर्पयामि, भस्म हो तो वो भी आप शिव जी को सब जुड़े, हम सोनम बेटा के साथ में, नमन बेटा के साथ में, शानिया बेटा के साथ में और सिवनेश बेटा के साथ में, सब बोलेंगे साथ में हमारे, जब तक वो कार्यक्रम करते हैं भोग लगाते हैं हम, और इसके बाद में तुरंत ही हम शिव चालीसा पाठ से आज के जो हमारा कार्यक्रम है उसको हम अग्रसर करेंगे। भाव से सब बोलेंगे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
संकट
कभी तो चुप नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हारो मम जगत भारी, भगन रे धन को देख सलाही, जो कोई जाके सो कब पाए, हस्त भी कहीं भी करो तुम्हारी, क्षमादात अब तुम कब पाए, शंकर को संकट के नाश, विघ्न विनाश मंगल कार, योगी यति मुनि ध्यान लगाए, सार बशारद शीश नवाए, नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि के पार न पार, गोरा पाठ करे मन लाए, कापर होत है सब दुनिया को कभी हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी, पुत्र भीम कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद होई, पंडित प्रियो प्रसीद को लाव, ध्यान पूर्वक होम कराई, प्रियो प्रसीदक करे हमेशा, समय नहीं पाते रहे हमेशा, जान सकल मतर पाठ करे चाली, तुम मेरी मन कामना पूर्ण करो जगदी, मग सब क्षति है सनातन विश्व धर्म के सारा शिव चालीसा में शिव पुराण की कथा बंद है। आपने भोग लगा दिया है, आपने भगवान को नैवेद्य दिया है, आपने भगवान को जो फल हमारे लिए उपलब्ध रही है आपने उसको, आइए भाव से हम सभी बैठे, थोड़ी देर ही बैठेंगे क्योंकि आज का जो मुख्य कार्य है वो था रुद्राभिषेक। आप लोगों ने बड़े प्यार से ध्यान से भाग लिया, अब हम आपको ले चलते हैं शिव पुराण में, और शिव पुराण की कथा जो है ये आप और हमारे लिए कल्याणकारी है, क्योंकि शिव जी का नाम ही कल्याण। आप सभी को एकाग्रचित मन से बैठे, ट्राई करें हम लोग उठ के चले ना कथा में, मेरा प्रयास रहे कि जब तक शिव कथा चले तब तक आप सभी बैठ जाए शांत से, तब क्योंकि कोई उठता है तो ध्यान बढ़ता है ना, कोई बात करता है तो ध्यान बढ़ता है, और ये हमारे निरादर नहीं होती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कभी अपमानित होता नहीं हूं, चाहे कोई झगड़ा करे मेरे आगे कथा में, अपमान किसका होता मालूम, जो महान ग्रंथ हमारे विद्यमान होते हैं बीच में उसका अपमान होता है, और ग्रंथ अपमान महापाप माना गया है। कथा में बात करना, कथा में औरों के कान में कुछ और बोलना, ये सब विधान नहीं है कथा सुनने का, इसलिए हम प्रयास करें जो कुछ करें बड़े शांत भाव से हम कर लें, और हम ज्यादा लंबा ना बैठाते हैं, चालीसा लेकर के 10 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट हो गया, और हमारा कथा जो है वो 1 ही घंटा का होता है, बाद में आरती हम एंड में करते हैं, ठीक है। आइए
हम आपको शिव पुराण की महिमा सुनवाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बैठ जाइएगा बड़े प्यार से, तब सुनिएगा, क्योंकि सावधान होकर के कथा सुननी चाहिए। नवदा भक्ति कहो तुम्हें पाही, और दूसरा वर्ड क्या है नमन बेटा, सावधान। शिवरी मैया सावधान होकर के सुनना। सावधान क्यों? सचेत होकर के सुनना। सचेत क्यों होना? कैसे होना? अपने इंद्रियों को बस में कर लेना। गर्म लगे थोड़ा सा हल्का सा आप अपने ओढ़नी से, चाहे अपने हाथ में कुछ रखा हो, अगर बहुत गर्म हो तो अपने अपने घर से कल वो $2 शॉप में फेल मिलता। अगर कोई ना जाने इसका क्रिया तो हमारे मनोज जी बैठे हैं उधर, वो आपको डिस्प्ले करेंगे कि कैसे हवा हकी जाती है। धन्यवाद मनोज भैया, धन्यवाद। और बीच बीच में कैमरा उधर भी घुमा देंगे, इधर भी घुमा देंगे, सब तरफ, ताकि हमारे कलाकार आइए बड़े भाव से हम आप सुने। ये जो कथा शिव पुराण का है, ये सूत जी द्वारा इसका महिमा वर्णन करी गई है। और कहां करी गई है? नैमिषारण्य में। बड़े भाग्यशाली है वो लोग जो नैमिषारण्य जैसे पावन तीर्थ में जाकर के दर्शन कर लेते हैं। सामने बैठी हैं शम्मी लता कुमार, हमारी विष्णु टूर्स के मैनेजर, उनके साथ चले जाओ और वो आपको, जैसे हमारे मनोज अभी है और अभी कई लोग गए हुए हैं, तो भारत की जो यात्रा है आपका सफल कैसे बने, जब आप पावन तीर्थों में जाते हैं। ताजमहल तो सभी देखने जाते हैं, ताजमहल में रखा क्या बताओ, मैं एक कब्र ही तो है ना। ठीक है भाई, दुनिया का एक सेवंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड माना गया था एक समय में, एक अजूबा था वो, लेकिन हमारे लिए तो कोई तीर्थ नहीं है ना। अगर तीर्थ है तो त्रिवेणी है, अगर तीर्थ है तो हमारे लिए जगन्नाथपुरी है, अगर तीर्थ है हमारे लिए तो हरिद्वार है, अगर तीर्थ है हमारे लिए तो बैदरी बद्रीनाथ धाम, अगर तीर्थ है रामेश्वरम है, अगर तीर्थ है तो आप अयोध्या जी के पावन पड़ांगन में चले जाओ, सबसे परम धाम है अवध धाम। शिव जी महाराज भी राम जी की कथा सुनने के लिए कहां गए थे मालूम ना? विंसन जी चौपाल में आता है, एक बार युग माही, एक बार सुनने के लिए स्वयं जिसकी कथा आज हो रही है वो उतरे कैलाश पर्वत से और त्रिवेणी के पावन प्रांगण में बैठ करके यागवल्लभपुरी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुनाए। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए तुम गजरी सिपाही, और साथ में कौन गई? गौरा मैया, जो उमा का शरीर धारण किए हुए थे। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग ऋषि पहचान गए तो हमारे भोलेनाथ आए हुए हैं, इसलिए दौड़ करके व्यवस्था करके उनके चरण पूजन करी। संग सती जग जननी भवानी,
बनाने के। इसलिए जो हमारा चार धाम में से एक धाम है जिसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम धाम क्यों इतना सुंदर है और क्यों इतना पावन है, क्योंकि यहां शंभुनाथ के शिवलिंग की स्थापना स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने अपने हाथों से करी थी और उसका नाम क्या दिया था, रामेश्वरम, मतलब जो राम के ईश हैं उनका स्थापना किया और कहा कि जो कोई भी आकर के एक लोटा जल इस लिंग पर चढ़ाएगा पता सारे जीवन के हर एक पाप मिट जाएंगे उनको। और कोई कहता है नहीं भाई हम शंभुनाथ की पूजा नहीं करते, हम तो राम प्रेमी हैं, तो इतना गलत कर रहे हैं हम लोग, इतना गलत कर रहे हैं, क्योंकि राम जी ने कहा कि जो कोई मुझसे बहुत प्रेम करता है और मेरे ईश शिव जी से विरोध करता है, या शिव जी से बहुत प्रेम करता है और मेरा विरोध करता है, शंकर प्रिय महामद्रोही शिव द्रोही ममदास। पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी और श्री राम जी तो मुख से निकला है बात, शंकर प्रिय मामा द्रोही, शिव जी को प्रिय है मेरा द्रोह करता है, और शंकर प्रिय मामा द्रोही शिव द्रोही मामा दास, ते नर बसही कलप भर घोर नरक के बास। बस सीधा सही कोई जन है, हमारा ज्यादा इसमें टिप्पणी ना करेंगे, और कल अगर आप चाहें तो रिसर्च कर लीजिएगा कि एक कल्प कितना होता है, सतयुग बीत जाए, त्रेता बीत जाए, और उसके बाद में द्वापर बीत जाए, उसके बाद में कलयुग बीत जाए, ये चारों युग बीत जाए, उसको बोलते हैं एक चौकड़ी, और ऐसे 1000 चौकड़ी बीत जाए विंसेंट जी, तब एक कल्प बोला गया। इतना दिन आप नरक में पड़ोगे अगर आपने शिव जी से द्रोह कर लिया और राम जी से प्रेम कर लिया, या राम जी से द्रोह कर लिया और शिव जी से प्रेम कर लिया। इसलिए स्पष्टता जरूरी है। लोग कहते हैं भाई हम शंकर को नहीं मानते, हम तो अब बोलेंगे ना भैया, कभी कभी नमन बेटा को बोलते हैं भैया साईं राम की साईं डी होती है, तो इसका मतलब नहीं है कि हमारे नमन बेटा हमें लिप्टाई नहीं करेंगे, वो बोलेंगे राम राम इतना प्रेमी है। लेकिन कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं, भैया अगर साईं राम तो साईं राम, उसके आगे ओम नमः शिवाय नहीं बोलेंगे, और कोई शिव के बहुत प्रेमी होते हैं बोलो राम राम तो बोले ओम नमः शिवाय। एक गांव में कृष्ण भगवान की मूर्ति लगाई गई, बोले राम कृष्ण की मूर्ति, अरे भैया बहुत लोग पूजते हैं कृष्ण को, और कृष्ण की मूर्ति बहुत बनाया गया, चंदा बटोरा गया, कृष्ण की मूर्ति बनी और मंदिर बना, लेकिन जब स्थापना हुई और पूजन का समय आया तो खाली कृष्ण प्रेमी आए, राम प्रेमी नहीं आए और शिव प्रेमी नहीं आए। लोगों ने फिर पंचायत बैठाई और डिसाइड किया कि भाई एक काम करो, बोले राम जी का मूर्ति यहाँ मूर्ति का स्थापना करो, ये कृष्ण जी का मंदिर तो गिराओ, राम जी का मंदिर बनाओ। और राम जी का मंदिर तैयार हुआ, फिर स्थापना हुआ, बहुत प्रचार गए प्रसार गए, लेकिन वही आए जो राम प्रेमी थे, कृष्ण प्रेमी नहीं आए, शिव प्रेमी नहीं आए। आप तो अद्भुत हो गए, भाई क्या हो रहा है, बोले आप क्या करें, बोले एक काम करो, बोले शिव जी का मूर्ति स्थापना करो और शिव जी की लिंग का स्थापना करो, लोग आएंगे क्योंकि शिव से सब प्यार करते हैं। लेकिन क्या यह सच हुआ, नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि राम प्रेमी नहीं आए और कृष्ण प्रेमी नहीं आए, जो शिव भक्त थे वो आए। आप तो बहुत गड़बड़ हो गए भाई, गांव में जितना तो चंदा ने बटोरे गए उसमें डबल खर्चा हो गया, ये मंदिर बनाने में बिगाड़ने में इतना खर्च बैठ गया, क्योंकि लोगों के मति ठीक नहीं है। अब क्या करें, बोले
एक बाबा थे वहां फकीर, फकीर जानते ना हमारे मुस्लिम संत होते हैं फकीर लोग, और उनके पास गए, बोले बाबा कुछ सुझाव दो ना। तो उसने एक बड़ा दर्भित जवाब दिया, उसने क्या बोला, ये मंदिर और मस्जिद का झगड़ा मिटाया जाए ना, हम लोग खाली नाम पे, हमारा मंदिर है, हमारा मस्जिद है, हमारा गुरुद्वारा है, हमारा ये है वो है, ये मंदिर और मस्जिद का झगड़ा मिटाया जाए। तो बोले फिर क्या करें, बोले इन दोनों के बीच में मेहखाना बनाया जाए। वहां कोई नहीं पूछ रहा तुम्हारे जाति कौन है, तुम किसको पूजते हो, वहां कोई नहीं पूछेगा कि तुम कौन धर्म वाले हो, कौन मजहब वाले हो, आराम से आराम ग्लास टकराएंगे, बैठेंगे, आनंद लेंगे, आनंद ले लेंगे, खुशियां मनाएंगे, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो मुस्लिम संत ने जवाब दिया बड़ा दर्भित जवाब था, हम लोग सिर्फ अपने अपने पाखंड लिए बैठे हैं, और इस पाखंड के कारण से ही हम दुखी हैं, और दुखी क्यों हैं, क्योंकि हम जानते नहीं कि हम हमारी गंतव्य किधर है, हम जानते नहीं है हमारा लक्ष्य कहाँ है, हम नहीं जानते हैं कि हमारा वो जो हम जहां पहुंचना चाहते हैं वो कहाँ है, किस दिशा में है, दिशाहीन हम घूम रहे हैं। इसी कारण से हम बड़े दुखी हैं, क्योंकि थका मरा हम घर से लौट करके जब आते हैं शाम को, तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमने आज दिन में क्या किया, क्या पुण्य किया, क्या पाप किए मैंने, कुछ नहीं, एनालिसिस नहीं होती अपने आप में। इसलिए राम जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी शिव से द्रोह करेगा और जो जी मुझसे प्रेम करेगा या मुझसे द्रोह करके और शिव जी को बहुत प्यार करेगा, ते नर बस ही कलप भर घोर नरक कर बास। इसलिए चेतावनी, संभवता कोई भी नरक में ना जाए, हम तो नहीं चाहते भैया नरक में जाए, नमर बेटा आप चाहते कभी नरक में जाए, नहीं बहुत गंभीर गंभीर काम होता है उधर भैया, मैला खून की बैतरनी नदी बहती है, उसमें तैरना पड़ेगा। अगर गौ दान नहीं किए हैं तो गौ माता आएगी नहीं, पूछ पकड़े नहीं पाएंगे और वहीं तैरेंगे हम, और खूब चाबुक बरसाए जाएंगे, ऐसे गरुड़ पुराण में लिखा है, बिलीव इट, बिलीव मी, नहीं है तो आप पढ़ लेना भैया। कितने हैं, 28 नरक है, 28 नरक, और ये 28 नरक में भयानक भयानक नरक है, जिनका नाम सुनोगे तो आपका कलेजा फाट जाएगी। इसलिए लोग होते जब मरनी वगैरह होती है ना, भैया हम गरुड़ पुराण नहीं सुनेंगे बल्कि श्रीमद् भगवद गीता सुनेंगे, क्यों, कि उसमें ये सब नरकों की व्याख्या नहीं करी गई है, लेकिन गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार से। इसलिए हम नहीं चाहते कभी ऐसे कार्य करें जिससे हमें नरक की यात्रा करनी पड़े। तो कहीं कथा हो, हम यहां कथा जो अभी बताने वाले हैं आपको, इसमें सुनना क्या होता है। ये हमने मनोज जी और अजेश जी के घर पर इस कथा को गाए थे, लेकिन 3-4 साल हो गए, भूल गए होंगे आप, याद होगा आपको, भाभी जी आपको याद है, ये बिंदु के नाम के एक ब्राह्मण देवता था, हाँ याद आया ना, और चंचुला उनका उनकी पत्नी थी, वो ब्राह्मण ही, लेकिन बिंदु जो था ना वो गलत ना संगत में पड़ गए, लेकिन अब उसको कैसे निकाला जाएगा ना संगत से, विघ्न हरता गणपति भगवान का सुंदर कीर्तन, और हम चलते हैं भाव से ये बिंदु की कथा और चंचुला की कथा सुनते हैं, आइए सुनो मेरा। गौरी गणेश मनाऊं आज सुदिनी से हमारी, गौरी गणेश मनाऊं आज सुदिनी से हमारी, I'm not afraid.
अभिषेक से पहले उनका स्थापना पूजन करी। तब अब चलेंगे हम लोग वास्कल नाम का जो गांव है उसमें बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी और बहुत ही दुरात्मा था और वह महापापी भी था और उनकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उसका नाम चंचुला था। पिछले बार मैं कथा कर रहा था, चंचुला भाभी भी बैठी थी। अरे बेचारी घबरा गई, उनका नाम भी आ गया इधर। अरे सबका नाम आता है भैया, तो बिंदुक नाम का बड़ा मुश्किल से कोई मिलेगा ना। लेकिन यह है चंचुला जी थी, बहुत सुंदरी थी और जो बिंदुक था वो इधर उधर के चक्करों में फंसा रहता था, समय पर कभी घर पर पहुंचता नहीं। और क्या होता था, सोनम बेटा कह रही हम इसका अगले नाम रखेंगे, लिख नहीं रखे बिंदुक हमारे तबला वादक नमन बेटा को। तो उसकी जो स्त्री थी वो भी क्या करे भैया, जब आदमी मतलब समय पर घर पर नहीं पहुंचता आदि यदि तो भी चल करके बाद में कुमारक को अपना ली। इस तरह से दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का जो बहुत सारा समय व्यर्थ बीत गया ना। मनोज भैया समय गंवाना नहीं चाहिए, कितना समय बचा है किसी को पता है? किसी को पता है हमारे पास कितना समय है? नहीं पता, किसी को नहीं पता। एक आदमी घर आता है, जब उसको पत्नी कहती है जाओ ना जाओ मंदिर में जाओ, थोड़ी देर बैठ कर भजन कर लो तब आओ। अब ये बेचारा पैसा ना भी था, दिन भर काम करके आया और कहते हैं भाई भजन करो भजन करो, क्या रोज रोज ये होता है। एकदम थक गया, अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। बोले गुरुजी, बोले क्या? बोले कुछ उपाय बताओ। बोले कौन सा उपाय? बोले मेरी पत्नी रोज तंग करती है, जैसे मैं घर पहुंचता हूं कुछ खाने को भी नहीं देती, सीधे कहती मंदिर में चले जाओ भजन कर लो। बोले कोई उपाय बताओ जिससे मेरा यह क्लेश दूर हो। बोले बेटा एक काम करो। बोले मैं एक उपाय देता हूँ, नुस्खा देता हूँ। बोले क्या? अंजना जी उसको बताया कि आप मरने से एक मिनट पहले राम 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 जपने लगना। बोले धन्य हो गुरु जी, क्या बात, सुंदर बताया आपने। जाने लगा लेकिन एकाएक उसको याद आया ये भाई मरने से एक मिनट पहले कब आएगा। दौड़ करके गुरु जी के पास गया। बोले गुरु जी ये एक मिनट कब आएगा? बोले वही तो तेरी पत्नी बता रही है, भजन करो। ए, वो मिनट कब आए नहीं पता, कब निकल जाए आपके बीच में वो मिनट, अगले महीना हो, अगले हफ्ता हो, अगले दिन हो,
अगले घंटा हो हमें और आपको नहीं पता, इसलिए व्यर्थ हमें अपना समय को कभी गंवाना नहीं चाहिए। जब सके तो उपकार ही करते रहो, पुण्य कार्य करते रहो, भगवान का भजन करते रहो। इसलिए आप देखे लोग के हाथ में मालाएं होती हैं, वो गुप्त रूप में माला फेरते रहते हैं क्योंकि उनका मन जो माला में लगा रहता है। लेकिन हाँ, अगर मन माला में लगा रहे और आपका ध्यान कहीं और हो तो माला फेरने का कोई मतलब नहीं। यहां इन दोनों पति पत्नी ने, बिंदुक और चंचुला ने, अपने सारा समय जो है नष्ट कर दिया, जीवन का बर्बाद हो गया। अब क्या हुआ? अब भाई समय अनुकूल सबका होता होता है ना, जीवन आया है तो जीवन जाएगा भी, जीवन मिला है तो जीवन भगवान लेगा भी। इसलिए कबीरा कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़ा एक बंधे जंजीर। सब जाएंगे बारी बारी, हम भी लाइन में खड़े, आप भी लाइन में खड़े। मैं इसे मचारी भैया से हरदम कहता हूं, हमारे एल्स फिनरल होम वालों को, कितना को मैंने फिनरल कराता हूं, मैंने कहा भैया एक दिन मेरा भी बारी आएगा ना, उस दिन मांगे पूरा साज बाज के साथ में, नमन बेटा को बुलाना, तबला बजाना, सोनम बेटा को बुलाना, मेरे लिए संगीत करें, क्योंकि हम चाहते हैं आराम से सज धज करके गाते बजाते जाए भगवान के घर। वो बरात सजती है क्योंकि हमारा एक डोली होता है वो, जिसमें हम सच करते जाते। इसलिए व्यर्थ समय ना गवाएं। और ये बिंदु चिंचुला ने अपने जीवन में हर एक समय जो था वो बर्बाद कर दिया, और अंततः मृत्यु आई बिंदु का। और बिंदु का जब मृत्यु आया तो फिर क्या हुआ? यमराज के घर जाते हैं हम सब, और वहां यमराज निर्णय करता है। भैया गरुड़ पुराण की पुनः एक बार कथा आती है कि यमराज अपना चित्रगुप्त को कहता कि भाई चित्रगुप्त देखो ना, इनके जीवन में क्या पुण्य और क्या पाप थी। तो चित्रगुप्त के पास होगा कोई चिप ना, लगाते होते कंप्यूटर से निकालते होते, अरे भैया ये राम कुमार सेवक आया, बहुत कथा करी इन्होंने, लेकिन यहाँ यहाँ इन्होंने बहुत गड़बड़ करी है। इसलिए ये पुण्य के भी अधिकारी है और पाप के भी अधिकारी है। बिंदु का यही हुआ, इन्होंने कोई तो पुण्य नहीं किया भैया, किसी को तो भलाई किया नहीं, हा? उसने कभी बुराई कभी भुलाई भलाई नहीं किया, उसने सभी समय किसी ना किसी को अन्याय ही किया। और मृत्यु के बाद में भी अपना धर्म से गिर करके पुरुषों के संग करने लगी और उनकी पत्नी। और क्या होता है, सतियों विपत्ति में अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती, यही तो सत्य होता है, सतीत्व का भाव यही होता है। जो हमारी पत्नियां होती हैं विपत्ति में भी भगवान का भजन नहीं छूटे। भैया मुझसे लोग कहते हैं कि भाई ये भजन अभी एक साल नहीं होगा हमारे घर में, भगवान का रोट नहीं चढ़ेगा हमारे साल में तो मरो। क्या हम लोग अध्ययन करते हैं, संत महात्माओं के चरण में बैठ करके एक प्रश्न पूछा करते हैं कि ये क्या सत्य है कि एक साल तक हमारे घर में पूजा बंद हो जाए कि किसी की मृत्यु हो गई? बोले गलत है कि विपत्ति नहीं विपदा, संपत्ति नहीं संपदा। तो बड़े डिफ्रेंशिएट कर दो, विपद विस्मरण विष्णु, जिस दिन भगवान का भजन छूट जाए, और संपत्ति नारायण स्मृति, जिस दिन भगवान के चरणों में मन लग जाए, भजन करने का आनंद मिल जाए, उस दिन सबसे बड़ी संपत्ति हो जाए। और यही हमारी जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम भजन करते रहे और जीवन का सुख भी जीतते रहे। लेकिन यहां ऐसा हुआ ना, जो विपत्ति में भजन छोड़ दे और दुर्गति को प्राप्त होते हैं वो। ऐसे एक दिन जो योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाइयों बंधुओं के साथ में गौकर्ण क्षेत्र में जाती है। ये बिंदु, जो बिंदु की पत्नी चंचुला, वो देव योग से कहीं ना कहीं परमात्मा कुछ पुण्य लिखा होते हमारे जीवन में। शायद जसवीर जैसे आपको लिखा है कि आप शिव कथा करेंगी, विंसेंट भैया के साथ में आप कहेंगी, अपने बेटी के साथ में, अपने परिवार के साथ में, आपने कई सालों के संकल्प को आपने अपने मन में रखा है, और एक दिन आता है वो संकल्प पूरा होता है। और जब पूरा हो जाता है तो भगवान की कृपा समझ जाना चाहिए। हरि बोले ना, हरि कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु हरि कृपा वो सुलभ नहीं होता है। जब तक प्रभु कृपा नहीं कर देते, हम अग्रसर करें, हम अपने हाथ आगे बढ़ाएं, तो हो सकता है।
लेकिन जब तक प्रभु कृपा नहीं होगी तब तक यज्ञ नहीं होगा आपका, तब तक आपका अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। इसलिए प्रभु में हरदम विश्वास रखो, एक ना एक दिन वो प्रभु, मैं शायद बार बार ये कथा कहता हूं कि एक दिन देवर्षि नारद जा रहे थे भगवान वैकुंठ धाम के परम धाम पर भगवान को मिलने के लिए, और एक पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे हुए थे। महात्मा जी पूछे, बोले नारद जी कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। बोले अच्छा, एक काम करियो, प्रभु से पूछ लेना नारायण भगवान से कि कब मुझे दर्शन देंगे। तो देवर्षि ने कहा कि भाई हम कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वापस में आएंगे तो बताएंगे। फिर प्रभु ने क्या कहा, और गए वैकुंठ धाम पर। और तो देवऋषि नारद ने पूर्व सब काम खत्म करके बाद में बोला कि एक महात्मा जी हैं पेड़ के नीचे बैठे हैं, और वो आपसे पूछे हैं प्रभु कब आप उनको दर्शन दोगे। तो नारायण जी ने कहा, उनसे कहो जा करके देवऋषि कि जितने पेड़ के पत्ते हैं, वो जितने पेड़ के पत्ते हैं ना, उतने सालों बाद में उनके आकर के दर्शन करूंगा। अब लौट करके देवऋषि आए, और देवऋषि दंग है भाई, वो पेड़ इतना घनित था ना, पत्ते गिने नहीं जा सकते थे, इतना ज्यादा, वो इतने सारे सैकड़ों पत्ते थे उसमें, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स। लेकिन जैसे महात्मा को कहा कि नारायण भगवान ने कहा है कि जितने पेड़ के पत्ते हैं उतने साल बाद मैं आपको दर्शन देने आऊंगा, नाचने लगा, उठ करके नाचने लगा, जो बैठा भजन कर रहा था नाचने लगा। अरे देवऋषि नारद बोले पागल हो गए क्या, इतने सैकड़ों साल बाद प्रभु दर्शन देंगे और ये नाचने लगा, बोले क्यों? अरे बोले कम से कम भगवान ने कह दिया, कभी न कभी तो कहीं न कहीं किसी न किसी, हम नहीं बोलेंगे आगे, तो आप विंसेंट क्लार्क में बताए ना, कभी न कभी परमात्मा हम पर अनुग्रहित होंगे, और चाहे वो कितने साल सैकड़ों साल लग जाए, इसलिए वो नाचने लगे। और किसी किसी को तो पता भी नहीं होता कब प्रभु दर्शन देंगे, यहां तो भगवान ने कह दिया जब ये पेड़ के पत्ते हैं मैं उतने सालों बाद आकर के तुमको दर्शन दूंगा। ऐसे ये देव यज्ञ की बात होती है। और एक दिन ऐसा हुआ, पुण्य क्षेत्र में पहुंचे देव यज्ञ से, कहा गया शिव पुराण के माध्यम से कि देव यज्ञ से वो कहां पहुंचे, गौकर्ण क्षेत्र में। सबको मालूम है ना, सब दोस्तों पता है गौकर्ण क्षेत्र कौन सा है, कहां है गौकर्ण क्षेत्र, नहीं पता? भागवत पुराण कथा नहीं सुनी? कभी कभी लोग घर पे भागवत कथा सुन लेते हैं, बाद में पूछो बोलो गौकर्ण कौन थे, बोले पता नहीं। फायदा क्या कथा सुनने का, फायदा क्या भागवत सुनने का, याद रखना चाहिए गौकर्ण वो थे जो देव योग्य से फल को प्राप्त किया हुआ था, वो आत्मदेव ब्राह्मण देवता जिसको एक संत ने कहा कि तेरे तो सात जन्म में कोई संतान का भाव नहीं दिख रहा है, तो तुम क्यों संतान मांग रहे हो? उसने कहा नहीं, हमें संतान चाहिए चाहिए चाहिए, और नहीं अगर आप दे रहे हैं कुछ तो हम कुआं में कूद जाएंगे, हम अब आत्महत्या कर देंगे। और उसने कहा ये गंभीर बात है। तो उसने, बहुत सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने एक फल ला दिया और फल को दिया, बोले जाओ अपने पत्नी धुंधकारी को कहो, धुंधली को कहो कि इसको खा ले, और वो एक अच्छा सुंदर बच्चा उनके जन्म हो गए। लेकिन भाई धुंधली तो धुंधली थी, वो तो कहती भैया ये फल खाएंगे मैं गर्भवती हो जाऊंगी, चोर लोग चोरी करने आएंगे तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। उसने खिड़की से बाहर फल को फेंक दिया, और गैया मैया बैठी थी और उसने फल को खा लिया। इधर ड्रामा चला कि हम पेट से हैं, और उधर गौ मैया सचमुच में गौकर्ण को जन्म दी। उनका कान जो था गौ वाला था और शरीर जो था मनुष्य का था, इसलिए उनका नाम गौकर्ण रखा गया। और इधर जो धुंधली की बहन थी वो गर्भवती थी, उसने दोनों प्लान किया कि ऐसे करो बहन, बोले मेरे गर्भ हो जाएंगे, तुम एक काम करो तकिया पे रखो, नाटक करो कि तेरे गर्भ है, और जब मेरा बच्चा हो जाएगा मैं नाटक तो तुमको दे दूं। और अपना बच्चा समय पर लागा दिया, खुशियां मनाई जा रही, आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन धुंधली के बहन के बच्चा धुंधकारी अंधकार, इतना पापी दुर्त आत्मा, लेकिन गौकर्ण
उन्होंने देखा भाई जीवन का अगर मुझे कुछ प्राप्त हुआ है तो मैं जाकर के वनों में तपस्या करूंगा, शास्त्र अध्ययन करूंगा, मैं प्रभु को पाने की यत्न करूंगा। इसलिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज गुड, वेरी गुड, इट गिव्स यू मींस ऑफ इनकम, बट स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आध्यात्मिक। एक मैं यूट्यूब का देख रहा था, उसमें गोरी के इंटरव्यू लिए जाए थे, वृंदावन में बैठी है, बड़ी सज धज करके ओढ़नी वगैरह ओढ़ कर, जैसे हमारी जो उसमें बैठी हुई खूब आराम से पल्लू उल्लू ढक करके, और इंटरव्यू में पूछा यू नो अच्छी हिंदी बोलती थी, शायद कुछ दिन गंगे हो। उसने कहा कि भाई मैं हम बहुत प्रसन्न हूं, मैं यहाँ आई हूँ, और जब मैं डॉक्टर के काम करती थी, अरे भैया इंटरव्यू बोले आप डॉक्टर हो, बोले हाँ मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पिता डॉक्टर है, मेरी माता डॉक्टर है, मेरे दोनों भाई वो भी डॉक्टर है, सारे डॉक्टर के खानदान से निकली और स्वयं डॉक्टर, लेकिन कहाँ बैठी है, वृंदावन में। क्या करती है, सभी बोले हरे राम 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 हरे। पुराण सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होता है। शिव पुराण में आप पाओगे अधिकतर जो रामचरितमानस में कथा लिखी गई है उसमें लिखा हुआ है, और आप अगर भागवत महापुराण पढ़ो ना उसमें भी भगवान के जितने अवतार की कथा है वो विभिन्न पुराणों में आई है। तो कभी आप विष्णु पुराण पढ़े, शिव पुराण पढ़े, चाहे आप अग्नि पुराण पढ़े, चाहे आप गणेश पुराण पढ़े, कोई ना कोई जगह पर कथा आपको पाओगे कि इट्स इंटरलिंक्ड। तो यहां अब देखें वो गौकरण क्षेत्र में, और वहां देखो डॉक्टर सब कुछ छोड़ करके श्री भगवान कृष्ण के अधीन हो गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और तो फिर आप सब जानते हो ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि, कोई शैतान देखा नया फिल्म नेटफ्लिक्स पर आया अजय देवगन, देख लो कितने शैतान लोग हैं, कैसे कैसे, अरे भाई कैसे कैसे काला जादू करते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं, बताओ ना। आपका रूह कांप जाएगी और वो कहते हैं ना कि हम बस में कर लेंगे, वसीभूत कर लेंगे, मेरे बारे वसीभूत कि वो मंत्र हैं जिससे मैं सब कुछ बस में कर लेता हूं। और शंभुनाथ तो शंभुनाथ है, शैतानों के शैतान है वो, शंभुनाथ जो है भूतनाथ बोला गया उसको, क्यों भूतनाथ, क्योंकि भूतों के नाथ है वो, और इसलिए उनके बारात में गए कौन थे, सभी भूत लोग गए थे और भूत ही उनके बराती थे, उन्होंने ही सजाया था शिव जी को, इसलिए भगवान सदा शिव शंकर जी वो प्रसन्न होते हैं जब कभी भी कोई कथा हो तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे भगवान उनके इष्ट देवता राम जी का भी चर्चा हो जाता होगा। तो यहाँ गौकरण क्षेत्र में, इसी गौकरण जो आज आध्यात्मिक क्वालिफिकेशंस को पा करके पुनः एक बार लौट करके अपने ग्राम जब जाता है तो आप पाओगे कि वो धुंधकारी जो था वही पापी, उसने क्या किया, उसने अपने माता और पिता को भी मृत्यु के घाट उतार दिए,
और माता पिता पर अत्याचार करने वालों को एक एक कल्प नहीं, हम तो सोचते हैं 10-15 कल्प उनको जन्म मिले नरक में। क्यों? क्योंकि माता पिता को दुख देने वाले कभी जीवन पर्यंत सुखी नहीं होंगे, कभी नहीं सुखी होंगे। भैया माँ पिता है उनका सेवा करो। और यहां आत्मा देव बेचारे दुखी होकर के भाग गए घर छोड़ करके। मां के पास चंद कुछ जेवरात बचे हुए थे, बुंदकारी ने जलती लकड़ी को लेकर के मां का पीछा किया, मां भागी आगे और कुएं जा करके कूद गई, अपने आत्महत्या कर दी। और वो सब का पाप तो जाएगा, धुंधकारी मरा तो एक भयंकर पिशाच बना। और उस पिशाच को कहीं मुक्ति नहीं मिलने वाली। गौकर्ण जब लौट करके आया अपने कमरे में सोया तो भयानक भयानक रूप सामने आने लगे। पूछा, भाई तू कौन है? बोले, तेरे भाई धुंधकारी। बोले, ऐसे? बोले, हाँ ऐसे, मैंने बहुत गलत गलत काम किए हैं। तो बोले, कुछ मेरे प्रति करो मेरे भाई और मैं इस योनि से मुक्ति प्राप्त कर लूं। कहा, ठीक है भैया, हम आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उन्होंने सुनाया और वो बांस में हला हुआ था, 7 गाठी वाला बांस में हला था, क्योंकि वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाते थे, हिलते रहते थे। एक संदेश मिलती हम सबको कि आप कथा में कभी चले फिरे मत, क्योंकि एकाग्रचित मन हो करके जो कथा सुनता है उसके लिए विमान आ जाता है। और यहां धुंधकारी कथा समापन पर हुआ, संपूर्ण कथा हो गई, तो एक रथ आया और रथ में सिर्फ धुंधकारी बैठे और जाने लगे। तभी गौकर्ण ने पार्षदों से कहा कि भाई हमारे लिए रथ, हम लोग भी तो भागवत पुराण सुने, हमारे लिए रथ नहीं आए। बोले, अगली बार गौकर्ण तुम्हारे लिए तो अगली बार भगवान विष्णु स्वयं आएंगे, लेकिन गांव वाले अगली बार एकाग्रचित मन होकर के सुनना, ध्यान से सुनना जो सुनाई जा रही है। इसलिए आपका मुक्ति का साधन कथामृत रसा स्वादन करें ना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और यहां देव योग्य से वो चंचुला इतने पाप करती हुई भी एक शिवालय में पहुंच जाती है। उस शिव मंदिर में जब पहुंचती हैं तो वहां के पुजारी जो महंत थे वो शिव पुराण की कथा कह रहे थे। और चंचुला चोरी चुपके जा करके कहीं किनारे बैठ करके और इस कथा को श्रवण किया। और कथा करते करते पूज्यवर पंडित जी ने कहा कि जो जो नारियां वो गलत मार्ग अपनाती हैं तो उनके विभिन्न नरकों में भोगना पड़ता है। और वो बड़ी घबरा गई कि भाई मैंने भी कोई अच्छे काम जीवन में नहीं किए हैं, कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है, देव ऋषि मनुष्य सभी, और इसमें सब बंधे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर के चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चल गए, लेकिन वो कुछ अपनी हिम्मत बढ़ा करके वो पूज्यवर ब्राह्मण जी के चरणों में जा करके प्रणाम करके कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, आपको मुखारविंद से मैंने इस कथा को सुना और मुझे सुन करके ये पता लगा है कि मैं भी एक पापनी हूं और मेरे क्या हशर होंगे, उससे कोई मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग तो बताओ ना। इस दिन I can come out of my difficulties. मैं नरक ना जाऊं। तो जैसे कुमार में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा, तब यमदूत तेरे गले में फंदा डाल करके मुझे बांध करके ले जाएंगे और ऐसे नरक में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करेंगे। और चंचुला कहती है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा ब्राह्मण देवता, आप कुछ ना करो मेरे लिए। और तब कहा कि तू घबराओ मत, मैं तुझे शिव पुराण की कथा सुनाता हूं। और वो शिव पुराण की कथा जिसमें शिव जी स्वयं ऐसे भी होती है ना, जिनके गले में क्या है, मुंडो की माला है। अभी मैं पिछले सप्ताह लंबा समय था आपके डिस्ट्रिक्ट में था, द नॉर्थ फ्रेंडली नॉर्थ में, और नाग बाबा के चमत्कार को मैंने देखा 21 years later।
आज नाग बाबा वहां है, साक्षात नाग बाबा है वहां, कालिया नाग है वहां। और कैसे रखते हैं नागिन जी मंदिर में? सोनम बेटा सुनाइए इस भजन के बाद में हम इस बिंदु का प्रथम अध्याय का कथा को मना Thank you.
भजन गए इतना जोर से क्यों भजन गाते क्योंकि नागिकी से आई हुई है एक्स नागिकी मतलब जहां पर नाग बाबा आज दिखाई मान पड़ते हैं उसी गांव से आई हुई है सोनम और उनके बहन शानिया और उनके माता पिता श्रीमान श्रीमती विजयन और प्रेमिला जी बहुत प्यारी जगह है बहुत सुंदर जगह है कभी मौका लगे तो अपना देश को भी आप भ्रमण कर लो और आपको पुण्य प्राप्त हो जाएगा नाग बाबा का दर्शन पा करके शिव और पार्वती की पर्वत चले जाओ वहां पर भी बहुत सुंदर भाव प्रकट होगी आपके अंदर में 108 स्टेप्स चढ़ करके जाना पड़ेगा। भारत में तो तीर्थ है लेकिन हमारे कृष्ण कन्हैया ने कहा नाग कालिया नाग से मैं तुम्हें रमणीक द्वीप भेजता हूं और उस रमणीक द्वीप में तेरा जो दर्शन करेगा उसका जीवन कल्याण हो जाएगा। अगर हमने नहीं दिए पैसा बटोर लो अगली बार से बहुत नहीं है $99 नॉर्दर्न एयरलाइंस में जाए हमारे भैया बहुत सुंदर हमारे सेन जी हैं उनका एयरक्राफ्ट चलता है नॉर्दर्न एयरलाइंस और आप उसको पकड़ ले और चले जाए और आराम से घूम ले। तो अब यहां शिव पुराण की कथा से तेरा कल्याण होगा ऐसा वो ब्राह्मण देवता ने चंचला को समझाया और सारे सहिता के साथ में उन्होंने चंचला को शिव पुराण की कथा सुनाई और जब सुनाया पूर्ण आहुति होते होते एक दिव्य रथ वहां आ गया और उस दिव्य रथ पर चंचला बैठी और श्री भगवान शंकर के स्वयं गण उनके साथ आए और सभी उनको ले गए श्री शिव जी के धाम लगे। बोलो सदा श्री शंकर भोलेनाथ भगवान की। अभी जितना गाना में गाई ना वो मुंडों की माला पहनने वाले नागों के हार को पहनने वाले है जटा में क्या 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 लगाए और शरीर में भस्म लगाए ऐसा दृश्य स्वयं अपने आंखों से चंचुला जब पाई है माँ पार्वती को देखा बगल में बैठ करके उनको प्रणाम करा और माँ पार्वती ने उनको बुलाया आओ देवी चंचुला जो इतना पापनी थी व्यभिचारिणी थी आज मुक्त हो गई हर पाप से क्योंकि शिव जी और माँ पार्वती और श्री गणपति भगवान कार्तिकेय का और नंदी भगवान का दर्शन पा करके नाग देवता का दर्शन पा करके और लिंग देवता का दर्शन पा करके उनका जीवन कृतार्थ हो गया और माँ पार्वती ने उनको अपने सखी बना ली। और एक दिन बड़े प्रसन्नता में बैठी हुई थी माँ पार्वती और तो नजदीक गई और कहा हे देवी अगर आप मुझसे प्रसन्न हो मेरी सेवा से प्रसन्न हो तो आप एक काम करो। बोले क्या? बोले आप बता सकते हो मेरे पति देव बिंदुक कहाँ हैं? माँ पार्वती ने देखा बोले कई नरक कब भोग करके तेरे पति अब वो विंध्याचल पर्वत पर एक भयंकर पिशाच बना बैठा है। बड़ी दुखी हो गई मैं तो शिव जी के धाम पर मेरा पति वो भी तो द्रुत कर्म किए हैं और द्रुत आत्माओं को ऐसे योनियों में कहा देवी कुछ उपाय? बोले हाँ उपाय है। बोले आप धैर्य धरो अपने एक सेवक है उनका नाम तम्रुक तम्रुक को कहा जाओ नंदी आदि को ले जाओ बड़ा भयंकर पिशाच है उसको बांधना पड़ेगा क्योंकि वो कथा सुनेगा नहीं उसको सुनाना पड़ेगा कथा यद्यपि हमारा शास्त्र कहता है कि जबरदस्ती किसी को कथा नहीं सुनाना चाहिए लेकिन ये बेचारा कितना और गिरे ये पिशाच है पिशाच को मतलब जानते हो भयंकर शैतान और उस भयंकर शैतान के कान में अगर भगवान शिव की कथा चली जाएगी तो वो भी वो पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगा। लेकिन कामरुक तमनान बजाते बजाते शिव जी की कथा करने लगे और नंदी आदि सब बांध करके उस बिंदु को और बिठाए पिशाच रूप में और जैसे ही शिव पुराण की कथा खत्म हुई कि वो एक दिव्य देही को प्राप्त कर लिया और रथ में बैठ करके स्वयं श्री भगवान सदाशिव शंकर जी के चरणों में जा करके उनको जगह मिला और वो बार बार भगवान शिव को प्रणाम करता रहा हे भोलेनाथ हे विश्वेश्वर भगवान हे भूत भावन भगवान आपकी दया से मैं आज इतने भयंकर योनि से निकल करके और आपका मैं परम धाम को पहुंचा हूं। तो श्री सदाशिव शंकर भोलेनाथ भगवान की आज की कथा है विराम कर देंगे। ठीक है धन्यवाद है आप सबका। हम कहें ना एक घंटा से ज्यादा बोलने की आदत मेरी है नहीं और आपको सुनने की आदत नहीं है सबको शायद भूख भी लगा हुआ तो मैं
निवेदन करूंगा बेन से भाई आपने कहा अरविंद से स्वयं आपको आशीर्वाद के रूप में मतलब धन्यवाद भी करें और अपना इन्फॉर्मेशन देवेंगे कि हम लोग ठीक है तो फिर उसके बाद में आरती कर लेंगे सब खड़े हो जाएंगे हम लोग मंगल आरती करेंगे धन्यवाद क्या करें विंसेंट भैया 3 दिवस बहुत कम समय होती है कथा के लिए एक दिन तो चढ़ाई में उतर पाती है दूसरे दिन वहां बैठे होते तीसरे दिन उतर पाते इसलिए मनोज ने सोचा हम 7 दिन करेंगे पिछली बार और 7 दिन ही उन्होंने शिव पुराण की कथा सुनी थी आइए विंसेंट जय जय राम सबको सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है हमारे गृह स्थान पर ये 3 दिवस जो शिव कथा हमने ठानी है ज्यादा करके मेरी पत्नी ने जो अनुष्ठान किया है तो उसके लिए आप सभी का स्वागत है धन्यवाद देते हैं हमारे व्यासपीठ पे पंडित जी जो हम इतनी सुंदर कथा अपनी मुखारविंद से हमें सुनाया है और मंडली का धन्यवाद देते हैं संगीत के लिए हम आप सबका भी धन्यवाद देते हैं आज हमारे गृह स्थान पर आने के लिए और उन सब हाथों का धन्यवाद देते हैं जो भोजन और ये सब व्यवस्था बनाने के लिए हमें सहयोग दिया है तो आप सबका धन्यवाद है और आशा है कि आप भोजन और ये प्रसाद का आनंद उठाएंगे और तीनों रोज आज तो पहला दिन खलास हो गया अगले बार आपको इनके इनके भाई साहब भी फिजी से पदार्पण किए हैं और इनके धर्मपति भी नाम मेरे दिमाग से निकल गए रुमानिया सीमा दोनों को सभव्य स्वागत है आप दोनों फिजी से इस प्रसंग में आए हुए हैं और इनके हाथ पटाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका आइए सब खड़े हो जाए मंगल आरती शिव जी की हम सब करेंगे त्रिगुण शिव जी की आरती लगता है दो आरती बनाई हुई है हमारी जोशी तो अगर दो आरती है तो फिर दोनों आरती को हम लोग बारी बारी से उतारेंगे ठीक है बोलिए श्री शंकर भोलेनाथ भगवान के ओम जय शिवा प्रभु Thank you.
Shiva.
तो 7:15 के आसपास में आपके बीच में पुनः लाइव आएंगे हम। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। जय शंभुनाथ भगवान।